हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज हम आ गए हैं आपके साथ फिर से एक बार अभिषेक स्टेक के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेके। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनेंस टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स, द होल फैकल्टी, द डॉक्टर्स, नर्सेस, द आशा वर्कर्स। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल सा इशू बन चुका है कोरोना के चलते हुए कि जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको एक तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है अलग अलग लेवल के। बड़ी दुख की बात है, जो हमारे इस टाइम पे फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं, जो इस डिजीज के अंदर हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के लिए इस टाइम पे पब्लिक लेवल पे हरासमेंट अलग अलग तरह से झेलनी पड़ रही है। और इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को लेके आया है, तो आज हम इस ऑर्डिनेंस को समझेंगे। अब जो प्रेजेंटेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस ओवरऑल है क्या। आप इसको जो है सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की आपने पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ रखा है, आर्टिकल 123 के अंदर इसको दिया गया है। तो एक उसके अंदर इसको आपको अपने प्रिलिम्स और मेन सेक्शंस के अंदर अपडेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट टू एन ऑर्डिनेंस पास टू द अमेंडमेंट फॉर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अब इसकी जरूरत क्या थी? हेल्थ केयर वर्कर्स बेसिकली जो है दे आर बीइंग पोर्ट्रेड एज द पोटेंशियल स्प्रेडर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और पब्लिक जो है वो अपना एक तरह से गुस्सा जो है वो इनके अगेंस्ट जाहिर कर रही है, और इंडिविजुअल्स की हरासमेंट हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है डेली बेसिस पे। तो इस वजह से जो मेडिकल कम्युनिटी है उनका एक डिमांड था कि हमें किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए इस तरह के पब्लिक बिहेवियर के अगेंस्ट। सो एसेंशियली इसके लिए जो डीलिंग अभी तक नहीं हो पा रही थी उसका एक मेन कारण था डेफिशिएंसी इन स्टेट लॉस। तो अगली स्लाइड पे चल के हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये सारी जो स्लाइड्स हैं वो आपके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इस स्लाइड में आप देखते हैं, सो डेफिशिएंसी इन स्टेट लॉस। अब देखिए, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे कुछ स्पेसिफिक लॉज इन मेडिकल वर्कर्स या डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी सेटअप की थी, लेकिन ये जो लॉज हैं इनका एम्बिट बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, और स्पेशली कुछ एरियाज हैं जो ये कवर नहीं कर रही थी, सच एज दे डू नॉट कवर हरासमेंट एट होम और एट वर्क प्लेस, एंड दे आर फोकस्ड मोर ऑन फिजिकल वायलेंस। दिखे कि वाकई में फिजिकली इंजरी सस्टेन की है, तभी जाके स्टेट लॉज जो है वो हरकत में आती है। अब पीनल प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज लॉज वर ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट एंड दे डिड नॉट डिटर मिसचीफ मॉन्गरिंग। सो बेसिकली उतने लेवल पे ये लॉज नहीं पनिश कर पा रही थी, या एक डिटरेंट के लेवल पे ये काम नहीं कर पा रही थी जितना की जरूरत थी हमें इस टाइम पे, ठीक। होप्स आपको ये स्लाइड समझ आ गई है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं इस ऑर्डिनेंस के जो दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो पहली बात तो यह है कि जो ऑफेंस है, एनी काइंड ऑफ हरासमेंट दैट इज डन टू द मेडिकल पर्सनल, दैट हैज बीन मेड एज अ कॉग्निजिबल एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेसिकली क्या मतलब, अब एनी टाइम ऑफ वायलेंस दैट इज डन अगेंस्ट द मेडिकल स्टाफ, अब उसके लिए इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस बनाया गया है। हम समझेंगे आगे जाके कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस होता क्या है, उसको भी समझेंगे। थोड़ा सा एक बार ऑर्डिनेंस को ध्यान से देख लेते हैं। दूसरा, इस ऑर्डिनेंस के अंदर कंपनसेशन की बात की गई है कि अगर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को, पर्सनल को कोई इंजरी सस्टेन होती है या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसमें कंपनसेशन की बात की गई है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज हैज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड। गवर्नमेंट नहीं देगी, जो अक्यूज्ड होगा उससे वसूला जाएगा। और एक और इसमें प्रावधान जो बहुत अच्छा किया गया है, आमतौर पर इंडिया में कह देते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया है टाइमली इन्वेस्टिगेशन का। वो है कि इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज एंड द फाइनल डिसीजन हैज टू बी अराइव्ड विद इन 1 ईयर। नाउ दिस इज अ वेरी गुड ऑर्डिनेंस दैट हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ओके। चलिए अब और इसमें क्या है इस ऑर्डिनेंस के अंदर, अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन, सो दिस ऑर्डिनेंस विल प्रोटेक्ट नॉट ओनली डॉक्टर्स, दे विल प्रोटेक्ट नर्सेस, आशा वर्कर्स एंड ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज राइट नाउ। अगली इसमें पनिशमेंट की भी बात की गई है, बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है कि इन केस ऑफ एन ऑफेंस 3 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट इसमें दी जाएगी,
और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का इसमें फाइन का प्रावधान है। और अगर सिवियर इंजरीज, ग्रीवियस इंजरीज इसमें निकलती हैं, तो फिर जो पनिशमेंट है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, दैट कैन बी इंक्रीज टू 6 months टू 7 years, और जो फाइन है वो भी बढ़ सकता है, दैट विल बी 1 लाख टू 5 लाख रुपीज। इस वाइडर इंक्लूजन के चलते अब बेसिकली प्रोटेक्ट करने का एक प्रावधान बनाया गया है सारे के सारे मेडिकल स्टाफ के लिए। और वो प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल इंजरी से नहीं है, कोई भी तरह की हरासमेंट अगर होती है बाय द पब्लिक, बाय द लैंडलॉर्ड्स, बाय द नेबर्स, तो इवन मेंटल हरासमेंट को भी उसमें कवर किया गया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली जो हेल्थ केयर वर्कर्स की मोटिवेशन है उसको बरकरार रखना इस टाइम पे सबसे जरूरी है हम सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब लेट्स सी व्हाट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर 177th लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखा जाए तो उसके मुताबिक कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें इमीडिएट अरेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली एन ऑफिसर कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एंड अरेस्ट अ सस्पेक्ट विदाउट सीकिंग ए कोर्ट्स वारंट। किसी भी अदालत के वारंट की जरूरत नहीं है, चाहिए क्या, सिर्फ एक रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस एंड इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी ऑन सर्टेन इन्यूमरेटेड बेसिस। और एक बात, FIR जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो सिर्फ कॉग्निजेबल क्राइम्स के लिए ही रजिस्टर की जाती है इंडिया में, और 24 घंटे के अंदर अंदर जब एक अरेस्ट हो जाए तो जो ऑफिसर है उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से इसको रेटिफाई करवाना पड़ता है। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है आमतौर पे उनको हीनियस या सीरियस क्राइम्स के लिए लिया जाता है, जैसे कि मर्डर, डकॉइटी, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, तो वहां पे इसको लिया जाता है। बाकी के जो ऑफेंसेस हैं उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो हमारा है 1897 का, इस पे भी एक नजर मार लेते हैं, प्री की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो है, दिस वाज पास्ड इन फ़रवरी 1897 बिकॉज देर वॉज अ बुबोनिक प्लेग आउटब्रेक इन इंडिया, इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर्टिकुलरली, तो वहां पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। एंड द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड बेटर प्रिवेंशन टू द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस। ठीक, इससे बेसिकली होता क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं ताकि कोई भी अगर स्पेशल मेजर्स ये किसी एपिडेमिक के दौरान लेना चाहें तो वो मेजर्स वो लिए जा सकते हैं, कोई भी रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं ताकि इसके थ्रेट को कंटेन किया जा सके, एपिडेमिक को कंटेन किया जा सके। एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग यू नो एनी काइंड ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ दीज रेगुलेशंस और एनी काइंड ऑफ प्रिवेंटिव ऑर्डर्स ए पनिशेबल ऑफेंस। ये बेसिकली एपिडेमिक एक्ट का प्रावधान है। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी विद रिस्पेक्ट टू द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द ऑर्डिनेंस दैट हैज बीन पास्ड राइट नाउ। तो ध्यान रखिए, इससे आपके बेसिकली पॉलिटी के सेक्शन में, प्रिलिम्स में, प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो एक्टिवेट हो जाता है एज अ टॉपिक। फिर एज अ करंट अफेयर टॉपिक ये ऑर्डिनेंस पर्टिकुलरली है क्या, हिस्ट्री के अंदर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, बुबोनिक प्लेग, ये सारे टॉपिक हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और एज अ एथिकल इश्यू जीएस पेपर 4 के अंदर भी इसको आपको ध्यान में रखना है कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू मेंटेन द मोटिवेशन ऑफ द मेडिकल पर्सनल, हाउ दिस विल बी एबल टू कंटेन द पैंडेमिक दैट वी आर राइट नाउ फेसिंग, दैट इज कोविड-19। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अभिषेक स्टेक के अंदर वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे abhishek@abhimanyu.com के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। सो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, द लिंक इज गिवन। ये सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर PPT यही वाली अवेलेबल है, वहीं से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।